हरियाणा जीके मॉक टेस्ट सीरीज। हमने हरियाणा जीके की मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हरियाणा जीके की 100 मॉक टेस्ट सीरीज कंप्लीट की जाएगी और हर एक मॉक टेस्ट में 30 सवाल होंगे। तो इस तरह से हरियाणा जीके के 3000 सवालों को कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने हरियाणा जीके का एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें हरियाणा की हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जाएगा कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं, कौन से स्टेडियम है वहां पर, उनके फेमस व्यक्ति क्या है। उस संबंधित जिले से जो भी चीजें आपके पेपर में आ सकती है, वो सारी की सारी HSSC ग्रुप डी क्रैश कोर्स में कंप्लीट की जाएंगी। इसी साथ आप हमारे चैनल पे लेटेस्ट नौकरियों के बारे में जान सकते हैं और जो भी किताबें लॉन्च की जाती है HSSC के एग्जाम के बारे में, उन सब का रिव्यू आप हमारे चैनल पे देख पाएंगे। क्या लाडलो मखमारी, नमस्ते नमस्कार। मैं हूँ पासवर, आप देख रहे हैं कारामाजू। मॉक टेस्ट नंबर 84। हरियाणा में ज्ञात पुरास्थलों में राखी घड़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? तो यह है दक्ष खेड़ा। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 589 ईस्वी में। गिजर खां का मकबरा कौन सी शैली से निर्मित है? तो यह है पठान शैली में। हाँसी शहर के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आपका जवाब आएगा आसाराम जाट। तिलपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? तो यह हुई राजा जवाहर सिंह। राजा दला सिंह का संबंध कौन सी रियासत से था? तो इनका संबंध था रादौर रियासत से। नाहर सिंह मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र से था? तो यहां पर आपका जवाब आएगा बल्लभगढ़। हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है वामन पुराण में। महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो यहां पर आपका जवाब आएगा ऑप्शन सी, राजा महेंद्र सिंह के नाम पर। वर्ष 2016-17 में ग्रामीण विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये किया गया 2,884.47 करोड़। हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यहां पर आपका जवाब आएगा सिरसा। मक्की उत्पादकता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 23वां। चना उत्पादन में जिलों को घटते क्रम में बताइए। तो यहां पर आपका जवाब आएगा सी। तो ये है भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा। रेवाड़ी से पंडित प्रहलाद शर्मा ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो ये किया था ज्योतिष। सुंदर श्रृंगार, पाखंड, पचासिका व धर्म सहेली जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब आएगा सुंदर दास। तो सुंदर ही लेखक का नाम है और सुंदर ही जो इन्होंने रचना की इसका नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। साय अपने अपने उपन्यास किसका है? तो ये लिखा है राजकुमार निजात ने। हल्के कंगन को क्या कहते हैं जो कि स्त्रियों द्वारा कलाई में पहना जाता है? तो इसका कहा जाता है कांगनी। गायिका सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो ये गायक है ना कि गायिका, और इनका संबंध है फरीदाबाद जिले से। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये दी जाती है 1 लाख रुपए। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। हॉकी में जानी मानी हस्ती ममता खरब का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो यहां पर आपका जवाब आएगा रोहतक। रामायण किसकी रचना है? तो ये है अहमद बख्श की। गर्वित ग्रामीण विकास तरुण योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 13 जनवरी 2015 को। महिला पुलिस थानों की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला से। हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो ये है यमुनानगर। स्कंद कार्तिकेय के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुमार गुप्त ने। मिताथल पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर सूरज भान ने। राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या के बाद शासक कौन बना? तो ये बना था हर्षवर्धन। थानेश्वर स्थित शेख चिल्ली का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। कैथल का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो ये पड़ा हनुमान जी की जन्म सतली के कारण। पानीपत के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आपका जवाब आएगा महाराजा दंडपति। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस मॉक टेस्ट में कितने नंबर स्कोर किए, जिससे आपको पता चल सके आपकी कितनी तैयारी है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके HSSC के आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।